मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण कर रहे हैं। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिरों का शहर है, जहां पर शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में ही स्थित है और वहीं पर 8वीं शताब्दी के दार्शनिक और हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। जहां ये प्रतिमा है उसे एकात्म धाम नाम दिया गया है। ये विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मंधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण तो आज हो ही रहा है, लेकिन जिस आदि गुरु शंकराचार्य के स्वरूप की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है वो एक स्वरूप आपको दिखाना चाहेंगे, उस स्वरूप से आपको मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे देश भर से कई प्रख्यात संत पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक स्वरूप भी दिखेगा, वो भी बाल स्वरूप जो कि सीधा यहाँ पर मूर्ति के रूप में लगाया गया है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये पूरा उसी हम कह सकते हैं वही उम्र है जिस उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना घर छोड़ा था और अपने गुरु के लिए वो ओंकारेश्वर आए थे और ओंकारेश्वर में उनकी गुरु से मुलाकात हुई थी। बेटा मैं आपसे जानना चाहूंगी आदि गुरु शंकराचार्य की इतनी अच्छी कहानी रही, कितनी प्रेरणा आप उस कहानी से लेते हैं? उस कहानी से सबसे ज्यादा प्रेरणा यह थी कि जब वो वेद पढ़ते थे तो एकदम स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते थे, और जब वो अपने घर से गए थे तब वो वापस भी आए थे अपनी माता से मिलने। एक ही बार आए थे जब उनकी माता ने उन्हें बोला था कि आप अंतिम समय में मुझसे मिलने आए, तब जाके वो मिलने भी आए थे उनसे। तो इससे ये ज़्यादातर ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वेद अध्ययन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये जो पूरा ड्रेस पहने हुए हैं बिल्कुल आदि गुरु शंकराचार्य जैसे ऊपर मूर्ति में वैसे आप लग रहे हैं, वही आपके हाथ में है, ये क्या चीज़ें हैं आपको मालूम है? जी ये दंड है उनका और ये है इसे कमंडल बोलते हैं। जी किस काम आता है ये दंड? उनको क्या उनके गुरु ने दिया था? जी ये काषाय वस्त्र के साथ ही उन्हें ब्रह्मचर्य कथा के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश को आज एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि आज ओंकारेश्वर पर्वत पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होने वाला है। मेरे पीछे ये जो 108 फीट की आप मूर्ति देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, और ये मूर्ति इसलिए भी खास है क्योंकि आदि शंकराचार्य के लिए ओंकारेश्वर की जो जन्म हम कह सकते हैं जो स्थली है वो काफी ज्यादा खास बताई जाती है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जो है वो केरल से यहाँ तक अपने गुरु के पास आए थे और गुरु के पास आकर उन्होंने जो है यहाँ पर उनसे ज्ञान लिया था, यानी कि ये आदि शंकराचार्य की ज्ञान भूमि है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम तो लगातार जारी है ही है, लेकिन इस तरफ जो है वैदिक मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं और मेरी दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। मैं आपको सीधा लिए चलूंगी जो है जहाँ पर लगातार ये पूरे कार्यक्रम जारी हैं, और आप देखेंगे कि खास संतों की मौजूदगी में जो है ये पूरा खास कार्यक्रम करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रख्यात संत यहाँ पर पूरे देश भर से आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर लगातार यज्ञ जारी है, यज्ञ के साथ यहाँ पर तमाम जो संत महात्मा है वो लगातार यहाँ आज जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम होने वाला है इसके लिए लगातार मौजूद हैं। आप देखेंगे कि हम देख सकते हैं कि लगातार कई बड़ी हम जगहों से संत आए हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की बात करें या अन्य जगहों की बात करें। ये खास तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक तस्वीर यहाँ पर बयां हो रही है, और फिलहाल देखिए लगातार ये जो पूरा कार्यक्रम जारी है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आज का ये जो अनावरण कार्यक्रम होने वाला है ये बेहद खास रहने वाला है। सर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, एकात्मता पर इस ज़माने में इतना जोर क्यों, क्योंकि जो युग चल रहा है एकात्मता पर इतना फोकस क्यों है सभी संत महात्माओं का और हम हर वर्ग की बात करें? ये सनातन धर्म का एक ही तत्व है, एकात्म ही है, जो अद्वैत है, जो उसमें दो नहीं है, एक ही है, इसलिए अद्वैत कहता है। सारा भारतवर्ष में अद्वैत ही प्रचलित था, तो आज भी है कल भी रहेगा, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्टैचू के अलावा समाज को एकात्म का तत्व भेज रहे हैं।